नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टैंडर्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है हिंदी आशुलिपि श्रुत लेखन डिक्टेशन, भारत सरकार श्रम मंत्रालय ओपी शुक्ला ITI हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय के मांगों का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ। हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है, मगर उनके लिए जो सुविधाएं बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। विराम। कुछ धन संबंधी कठिनाइयों होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। विराम। पैरा टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल हैं, जहाँ दूर दूर मंदिर पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं है। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। पैरा मेरे अपने ज़िले में पर्यटन उपमंत्री आई थी। गिर जंगल में जानवरों के लिए एक जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं, उसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट्स आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थी। एक होटल वहाँ बनाया गया है जिससे कुछ सुविधा होगी, मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। जो सड़कें चाहिए वे नहीं हैं, इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ टूरिस्ट नहीं उठा सकते। इसलिए यातायात के साधन अच्छे किए जाएं। पैरा बम्बई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। वहां जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफें रहती हैं। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहां कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहां जाते समय समुद्र के बीच से जा रहा था। वहां की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि यह तो समुद्र का किनारा है। विराम। अगर वहां छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक टूरिस्ट यहाँ आएंगे और उसको हमको काफ़ी आमदनी हो सकती है, मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। विराम। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ अच्छा समुद्र का बीच है। उसके विकास के लिए
आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। विराम, हवाई सेवा में बराबर जो हड़ताल हो रही है उसको बंद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। विराम।